This question is from Mr. Zishan Yusuf. It is easier to make people believe about oneness of God as well as life after death, but difficult it is to make them believe about Muhammad as messenger. Can a Hindu be a Muslim if he believes on everything else except Muhammad being a messenger? देखिए, ये कोई सिंपल बात नहीं है. जो लोग कहें कि खुदा को हम मानते हैं और मोहम्मद को ना माने, वो सिंसियर नहीं है. वो लिप सर्विस कर रहे हैं. वो इसलिए कि जैसे ही आप माने कि खुदा है, तो फौरन सवाल पैदा होता है, वेयर इज हिज गाइडेंस. क्या ये कोई सिंपल सी बात है? कोई सिंपल सी बात है खुदा को मानना? खुदा को मानने का मतलब यह नहीं है कि आप ये माने कि एक शालीमार एक बाग है कश्मीर में. नहीं, खुदा को मानने के माने हैं कि जिसने क्रिएट किया है, जो सस्टेनर है, जो रब आलमीन है, जो जिस सब कुछ उसी का है. तो मानते ही फौरन एक क्वेश्चन आता है कि उसकी गाइडेंस कहाँ है. गाइडेंस अलग करके खुदा को मानना बिल्कुल एक शायरी है. कुछ भी नथिंग है वो. अच्छा, जब आप ये मान लें कि हमें खुदा की गाइडेंस चाहिए, तो आप ढूंढेंगे उसको, तो कहाँ मिलेगा आपको? तो मैं एक केस, आप मेरी किताब है, पढ़ लीजिए उसको, इस्लाम रीडिस्कवर्ड. उसमें हमने एक केस लिखा है डॉक्टर निशिकांत चट्टोपाध्याय का. वो बहुत ही सच्चे सीकर थे, बहुत ही लर्नड आदमी. तो उन्होंने फिलासफी पढ़ी, स्पिरिचुअलिज्म पढ़ा, साइंस पढ़ा, सब रिलीजन को पढ़ा, लेकिन कहीं उनको सुख नहीं मिलता था आंसर. फिर उन्होंने इस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ा. तो वो चाहते थे कोई इंसान जो है, खुदा को मानते थे वो, लेकिन खुदा को मानने के बाद गाइड कौन है? तो उन्होंने देखा कि और जितने भी लोग हैं जिनको मानते हैं, उनका कोई हिस्टोरिकल क्रेडिबिलिटी नहीं है, उनकी कोई हिस्ट्री नहीं है. जैसे बर्टन रसल ने जो हज मसीह जो हमको उनको पैगंबर मानते हैं, लेकिन खालिश जो जो हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, हिस्टोरिकल क्राइटेरियन से, तो उसने लिखा कि हिस्टोरिकली इट इज क्वाइट डाउटफुल वेदर क्राइस्ट एवर एग्जिस्टेड एट ऑल. तो उसमें उसके बाद जब उसने रसूलुल्लाह साहब को पढ़ा, तब उसको मिला कि यहाँ तो एक पूरी हिस्ट्री आपकी है. क्योंकि एक ओरिएंटलिस्ट ने लिखा है कि मोहम्मद वाज बॉर्न विद अ फुल लॉट ऑफ हिस्ट्री. तो डॉक्टर निशिकांत चट्टोपाध्याय ने की किताब जो मैंने उसमें नकल की है, उसमें उसमें उनके ये वर्डिंग है कि ओ व्हाट अ रिलीफ टू फाइंड आफ्टर ऑल अ ट्रूली हिस्टोरिकल प्रॉफिट टू बिलीव इन. तो याद रखिए, जो आदमी रसूलुल्लाह को ना मारे और खुदा कहे कि मैं खुदा को मानता हूँ, वो सिंसियर आदमी नहीं है. वो शायरी कर रहा है वो. क्योंकि खुदा को मानते ही फौरन ये सवाल पैदा होता है कि खुदा की खुदा मुझसे क्या चाहता है, मुझसे खुदा का क्या ताल्लुक है, मैं खुदा की ड्यूटी को कैसे अंजाम दूं, खुदा गाइडेंस क्या. जब आप ये सवाल पर आएंगे, तो लाजमन आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानेंगे कि वही एक सोर्स है जो हिस्टोरिकली क्रेडिबल है. हिस्टोरिकल क्रेडिबिलिटी किसी को नहीं मिली हुई, तो आप क्या करेंगे? ये कोई सिंपल बात नहीं है. ये मैं समझता हूँ कि कोई भी सिंसियर आदमी ऐसा नहीं कह सकता कि मैं खुदा को मानता हूँ, मैं रसूलुल्लाह को नहीं मानूंगा. ये क्या, ये कोई सिंसियर आदमी का ये कहना कभी नहीं हो सकता है.